नाजिया के गायब होने की वजह ये नहीं हो सकती। मैंने तो नाजिया के दिल से अपने और हुमैरा की सारी गलतफहमियां दूर कर दी थी, फिर आखिर क्या वजह हो सकती है? आखिर क्या वजह हो सकती है? ये सब क्या हो रहा है अरसलान? क्या हो रहा है? जब से तुम अहमद साहब के घर से लौटे हो, अपने आप को कैद कर लिया तुमने। ना ऑफिस जाते हो, ना कहीं घूमने फिरने जाते हो। देखो, तुम्हें इस बात की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। ये उनकी जिल्लत है, हमारी नहीं। उन्हें अपनी फिक्र करना चाहिए। आपको किसने कह दिया कि मैं किसी इज्जत और जिल्लत की वजह से घर में बैठा हूं? बल्कि मेरा खुद मन नहीं करता बाहर निकलने का। मैं नाजिया को लेकर बहुत फिक्रमंद हूं। भूल जाओ उस लड़की को, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो लड़की अपने घर की इज्जत और हमारे जज्बात के साथ खेल सकती है, मैं अब उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। पापा, आपको गलत फहमी हुई है। मैं नाजिया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। नाजिया बहुत अच्छी लड़की है। जरूर नाजिया के गायब होने में किसी और का हाथ है। नाजिया किडनैप भी तो हो सकती है। आखिर बड़े घर की लड़की है। बेवकूफी की बातें मत करो और अपने सोचने का ढंग बदलो। वैसे भी हम तुम्हारी शादी के लिए दूसरी लड़की देख रहे हैं, समझे? सोचने का ढंग तो आप लोग को बदलना पड़ेगा पापा। मैं नाजिया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। नाजिया कभी ऐसा नहीं कर सकती, कभी ऐसा नहीं कर सकती। और रही बात मेरे लिए दूसरी लड़की देखने का, तो इन आंखों में अब नाजिया के अलावा कोई और नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। की प्लीज, एक सेकंड। शालिनी, यही नाम है आपका? हाँ। क्या बात है, बड़ी थकी थकी लग रही हो। नहीं, बस आई एम फाइन, शायद थोड़ी सी थकी हुई हूँ। हमारे शहर में तो 20 से 25 मिनट में पूरा शहर घूम लेते हैं, फिर भी आप थक गई? नहीं, आज यूं ही वॉक के मूड में थी, तो शायद ज्यादा चल ली हूँ इसलिए। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। आपने रजिस्टर में लिखवाया है कि आप एक टूरिस्ट के हिसाब से आई हैं, लेकिन इस छोटे से शहर में ऐसा कुछ खास तो नहीं है देखने के लायक, फिर भी? दरअसल मुझे छोटे शहर ही अट्रैक्ट करते हैं। नाउ इफ यू डोंट माइंड, मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? हाँ, जा सकती। Yes, वो लड़की ने कुछ अता पता एड्रेस को नाम लिखा है? कहाँ से आई है, क्या है, कहाँ की रहने वाली है? नहीं सर, तो लिखा है। बोला है। अच्छा अच्छा, देखिए देखिए जरा, किधर की रहने वाली है, क्या है, कुछ समझ में आता है? पता चला है बॉम्बे से तो लड़की भागी है, उसका नाम नाजिया है। नहीं, इस लड़की का नाम तो शालिनी है। चलिए, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ। चलिए सर। चलिए प्लीज। कहीं ये इंस्पेक्टर मेरी तफ्तीश तो नहीं कर रहा? मुझे फिलहाल फौरन यहां से निकल जाना चाहिए। मेरी सहेली तुम्हारी ये सब क्या है? पता नहीं आ रहा। या अल्लाह, रहम
कहीं रमजा चाची को कुछ सुनो बर करती थी रमजा चाची रमजा चाची ये तो मामा का झुमका है। आप इस हद तक उतर आएंगी ये मैं नहीं जानता था मामा। अरे डार्लिंग सिर्फ इतना पूछा कि कहाँ जा रही हो? तूने क्या डिसाइड किया? क्या करना तेरे को आगे? I'll go abroad. मेरी माँ कितनी महान है ना, अपने बेटे के पीछे ही डिटेक्टिव लगवा दिया। बहुत अलग रिश्ता होता है माँ और बच्चों का। 40 प्लस देखिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। फर्रुख जैसा नेक दिल लड़का तो कोई है ही नहीं। तो अम्मी जान अफशा का फर्रुख से ही पर्दा क्यों? कोई तो वजह होगी। मियां बैरिस्ट्री कर रहे हो ये भी नहीं मालूम? सीधी सी बात है, दोनों का शादी का इरादा होगा। यही तो भाईजान, यही बात तो अम्मी जान बताना नहीं चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ये इरादा किसका है। अफशां देखिए सोमवार और मंगलवार सुबह 11 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। जैसा तुमने बताया उस हिसाब से तो नाजिया के लापता होने की वजह ना ही पर्सनल एनिमिटी है और ना ही ये किडनैपिंग का केस लग रहा है। बस यही तो फिक्र हम सबको खाई जा रही है इंद्रजीत, कि आखिर नाजिया गई तो कहाँ गई, कैसे और क्यों गई? यार इंद्रजीत तुम तो जानते हो कि लड़कियों का मामला कितना नाजुक होता है। प्लीज उसे किसी भी तरह ढूंढ दो, अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो। हौसला रखो सब ठीक हो जाएगा। मैंने नाजिया का पता लगाने के लिए सारे पुलिस डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट कर दिया है। वैसे नाजिया को लास्ट टाइम नासिक में देखा गया है, वहां की पुलिस भी एक्टिव है। मैं ये बात तुम्हें सारी तसल्ली कर लेने के बाद ही बताना चाहता था, मगर तुम्हारा पस्त हौसला देखकर मैं मजबूर हो गया। शुक्रिया दोस्त, अब अल्लाह के बाद सिर्फ तुम्हारा ही सहारा बचा है। फिक्र मत करो सुहेल, बहुत जल्द नाजिया तुम्हारे पास होगी। अच्छा अब मैं इजाजत चाहूंगा। आओ इंद्रजीत मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ा हूं। कब? नाजिया क्यों चौंक गई ना मेरे मुंह से अपने असली नाम सुनकर? तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्यों आई हो सब मालूम है मुझे। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो तो मैं बस आपकी आवाज पर पलटी। मेरा नाम नाजिया नहीं है। तन्ना से मिलना चाहती हो ना? आपको कैसे पता? बोला ना मुझे सब कुछ मालूम है। तुम अपने काम से काम रखो, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तन्ना से मिलना चाहती हो मगर मगर हर जरूरत कीमत अदा करने पर पूरी होती है। मेरे ख्याल से ये काफी होंगे तुम्हारे लिए। बस समझ लो तुम्हारी मुलाकात हो गई तन्ना से। काजी कहाँ है? मैं शामू।
होश में तो हो रेशम? मैं तो होश में, लेकिन आज मैं यहाँ तेरे होश ठिकाने लगाने आई हूँ काजी। अपनी औकात में रहो रेशम, मैंने बहुत तुम्हारी गुस्ताखी बर्दाश्त कर ली। मुझे मेरी औकात याद दिलाने वाले जरा अपने गिरेबान में झांक कर दे। भेड़ के भेस में भेड़िया है तू, आमिल के भेस में झूठा मक्कार इंसान है तू। आज तुझे मार कर मैं इंसानियत बचाने आई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जैसी सरफेज जिंसात को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। कर ले अपने सबसे बड़े अमल का वक्त, आजमा ले अपनी ताकत, ताकि मरते वक्त तुझे खुद से कोई शिकायत ना हो। कर बात। चाहते हो काजी कि जिंदा है या मर गया? याद रखना काजी, रेशम के जीते जी उसके हारान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसे हजार काजी भी आ जाए ना तो मेरे हारान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे तुम? रेशम, ये वक्त बहस करने का नहीं है, हारान के फिक्र करने का है। उसे जिस्मानी चोट के साथ साथ अमली चोट भी लगी है। बंद करो अपनी हमदर्दी और फिक्र का नाटक। हकीकत तो यह है कि हारान को जिंदा देखकर अफसोस हो रहा है तुम्हें। खैर, इस वक्त तो मुझे मेरे बेटे का इलाज करना है। तुम्हारा हिसाब मैं बाद में आकर लूंगी काजी। एक बात याद रखना काजी, अगर मेरे आरान को कुछ हो गया ना तो ये रेशम मौत बनकर तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लेगी। याद रखना आरान। अफसोस, गम, मायूसी क्यों? क्या शैतानियत की सीख से भरोसा उठ गया तुम सबका, या तुम सबको इतना भी इल्म नहीं कि शैतानियत की राह में दी गई मौत भी इनाम समझी जाती है? मेरे उस खास शैतान को अब शहीद का दर्जा मिल गया है, और शैतानियत की राह में शहीद होने वाला इबलीस के सबसे करीब होता है। इसलिए तुम सबको मातम नहीं जश्न मनाना चाहिए। मायूसी और पछतावा कमजोर इंसानों के लिए है, हम शैतानों के लिए नहीं। हमारे लिए हमारा मकसद ही सबसे अहम है।
घोसला की माफ हो आका, लेकिन लेकिन हमारे जहन में तो खामोश। मुझे एहसास है कि इस वक्त तुम लोगों के जहन में क्या चल रहा है। तुम लोग सोच रहे होंगे ना कि मैंने खुद अपने हाथों से अपने इस खास शैतान को क्यों कुर्बान किया। ये बात अगर तुम लोग इतनी आसानी से समझ जाओगे तो चिल्मा का तुम लोगों के बीच का फर्क मिट जाएगा। मैं चाहता हूं कि हारान और रेशम के बीच का रिश्ता गलत फहमी से शुरू होकर इख्तलाफ पर खत्म हो जाए, इसीलिए मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हारान के दिल में शक बैठ जाए और वो रेशम को अपने और सनोबर के बीच की सबसे बड़ी चट्टान समझ ले। हारान और सनोबर का एक होना बहुत जरूरी है। आग मैंने लगा दी है, धुआं उठना बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। चिल्माक का पीछा करने की जरूरत आखिर रमजा चाची का कत्ल कौन कर सकता है? क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं कि ये कत्ल रेशम ने किया है? या अल्लाह, अगर ऐसा है तो अब तक रेशम सारी हकीकत जान चुकी होगी। वो हम में से किसी को बख्शेगी नहीं। आप दोनों नाहक परेशान हो रहे हैं। कत्ल रेशम ने किया है ये अभी तक साबित कहां हुआ है? और साबित हो भी नहीं सकता, क्योंकि कत्ल रेशम ने किया ही नहीं। तो फिर किसने किया है? सनोवर, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि जो शय रमजा चाची को उठाकर ले गई थी, इस काम को भी अंजाम उसी शय ने दिया है, क्योंकि हमारी कैफियत दोनों ही बार एक जैसी थी। ना ही हमें कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही हम कुछ करने के काबिल बचे थे। मुझे तो चुटपुट की फिक्र हो रही है। वो शय का पीछा करते हुए गया है। चुनमुन, तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है कि तुम कहीं भी एक दूसरे को देख या सुन सकते हो। जरा देख कर बताओ, अब तक लौटा क्यों नहीं? सनोवर, सनोवर, मुझे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सनोवर, मुझे लगता है मुझे जरूर जरूर छुटपुट इसी मुसीबत में है, क्योंकि क्योंकि मेरा 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 भी दम घुटा जा रहा है। हाँ, सनोवर, जरूर जरूर छुटपुट किसी मुसीबत में है। या अल्लाह, ये किस बला ने हमारा घर देख लिया है?
सबके बारे में पता करने गए थे या शांतनु के गम में शामिल होने गए थे? शांतनु तुम्हारा बच्चा था साहिल? शांतनु मेरा बच्चा नहीं है, समझी तुम? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं क्यों हर इंसान उसे मेरा बच्चा साबित करने पर तुला हुआ है। अरे शांतनु तनु और मिस्टर बजाज का बच्चा था, मैं उसकी मौत पर क्यों आंसू बहाऊं? कश्मकश जिंदगी की देखिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। क्या कर रही हो तुम? आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, मेरा शक सच साबित हुआ। बात क्या है? अभी अभी मैंने काजल को नरगिस से बात करते हुए सुना है। अरे क्या बात करते हुए सुना, ये तो बताओ ना। नरगिस को समीर का पता लग चुका है। नरगिस देखिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। डॉक्टर, इनकी चोट अंदरूनी और गहरी है, इसीलिए इन्हें होश नहीं आ रहा है। डॉक्टर खन्ना के आने से पहले मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो फिर इंतजार किस बात का है, बुलाइए उन्हें। उनके आने में अभी वक्त है। वक्त क्या मतलब? आप वक्त की बात कर रहे हैं, हैं? मेरा नवासा पड़ा हुआ है बिस्तर पर, उसकी हालत खराब है और वक्त की बात कर रहे हैं। बढ़ाइए उन्हें। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। परेशान? अल्लाह, क्या हो गया मेरे बच्चे को? किसकी नजर लग गई? ये तो बहुत ही नेक और सच्चा इंसान है, इसे किस बात की सजा दे रहा है तू? भैया संभालो, अपने आपको संभालो, ठीक हो जाएगा। हमारा हराम ठीक हो जाएगा, से कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा, से संभालो प्लीज। हारान को ठीक होना पड़ेगा अबू, ये अच्छी तरह से जानता है कि इसके बगैर हम सबकी जिंदगी बेमानी है। अबू एक काम करिए, आप अम्मी को लेके जरा बाहर जाइए, मैं हारान को अपने अमल के जरिए ठीक करने की कोशिश करती हूँ। चलो चलो संभालो अपना। हमजान, हमजान, मैंने अमली वार को काट करने की कोशिश की है, अब तुम जरा इसके जिस्म के अंदर जाओ। जी मामा। क्या हुआ हमजान? मामा हरान का जिस्म मुझे अपने अंदर जज्ब नहीं कर पा रहा है। दोबारा कोशिश करके देखो हमजान। जी मामा। क्या हुआ हमजान? मामा अब भी कुछ नहीं हो रहा है।
अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अब सब कुछ तेरे हाथ में ही है। मुझे मेरा हारान लौटा दे। नहीं जी पाऊंगी इसके बिना। मदद कर मेरी। आपको ये कैसे यकीन है कि तन्ना मुझसे मिलने के लिए राजी हो जाएगी, जबकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मुझसे मिलने से इनकार कर चुकी है। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं कि हमारी खबर पाते ही तन्ना तुमसे मिलने के लिए राजी हो जाएगी। तो क्या खबर उस तक पहुंची नहीं? तन्ना मिलने के लिए राजी हो गई है। आइए। यहाँ क्यों आई हो और मुझसे क्या चाहती हो तुम? मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने पहले मुझसे मिलने से इनकार क्यों किया और अब क्यों मान गई? मुझे नहीं मालूम था कि तुम सुहेल साहब की बड़ी बेटी नाजिया हो। आप जानती हैं मेरे डैड को? तुम्हारे बाप को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी असली माँ चांदनी को भी, और पूरी कुंडली है तुम्हारे घर की मेरे पास। यही जानने के लिए तो मैं आपके पास आई हूँ। मुंबई में किसी आदमी ने बताया कि मेरी असली माँ नीलू नहीं, चांदनी है। उसने मुझे मेरे बचपन की उनके साथ की तस्वीरें भी दिखाई और उसने ये भी कहा कि अगर कोई मुझे मेरी माँ के बारे में बता सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। मुझे मेरा बचपन तो याद नहीं है, लेकिन अगर मेरी माँ के बारे में आप मुझे कुछ बता दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चांदनी वो भी मेरे साथ यही जेल में रह रही थी बेचारी। बहुत झेला उसने, बहुत ही झेला, सारी जिंदगी झेलती आई वो। और तुम्हें पता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? वही तुम्हारा बाप सुहेल और नीलू। उन्हीं की साजिशों से उसे जेल में आना पड़ा और नीलू जो है ना, वो हमेशा ही तुम्हारे बाप को तुम्हारी माँ से छीनती आई। वो तो हमेशा से ही तुम्हारी माँ की दुश्मन रही है और अब मुझे तरस आ रहा है तुम्हें भी तुम्हारी माँ से उसने अलग कर दिया। गुनाहगार हैं वो लोग तुम्हारे और तुम्हारी माँ के। क्या मेरी माँ अब भी जिंदा है? ये सनम का क्या चक्कर था? ये तुम्हारे लिए जानना अभी इतना जरूरी नहीं है। अभी तो मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, मगर वक्त आने पर। समझ में नहीं आता ऐसी क्या वजह हो गई कि रेशम अपनी सारी हदों को भूलकर मुझसे टकराने पर आमादा हो गई। उसकी गलत फहमी की इंतहा यह है कि उसने मुझे हरान को हाथ लगाने से भी मना कर दिया। कोई भी बुरी शय उसकी इस हालत से फायदा उठा सकती है। ये तो अच्छा हुआ रेशम कि तुम इसे अस्पताल ले गई। अगर जिस्मानी चोट वैसे हरान बेहोश हुआ है तो वहां के माकूल इलाज से वो ठीक हो जाएगा, वरना रेशम तुम्हें मेरे पास वापस आना पड़ेगा। आंखें खोलो ना हारान,
कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगी? तुम अच्छी तरह से जाते हो हारान, शायद के पास बस तुम्हारा मुंह देखकर जी रही हूं मैं। तुम्हें बताओ अब किसके लिए जीऊंगी मैं, किसके लिए? जिंदगी भर पहले शाहिद की मोहब्बत के लिए लड़ती रही, फिर उसकी निशानी तुम्हें महफूज रखने के लिए लड़ती रही हारान। कितना लड़ूंगी मैं, तरतूश, बाबा अब्दुल सत्तार, काजी, इन इंसानों की दुनिया में शैतानों से लड़ती रही मैं, कितना लड़ूं आरान? बस अब बहुत हो चुका आरान, अब तुम्हारी मां कोई और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। उठो ना आरान, उठ के मेरे कलेजे से लग जाओ, उठो ना आरान। देख रहे हो अफजल, देख रहे हो, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा मेरी बातों का। अफजल इससे कहो ना, अगर इसे मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दे, लेकिन वो एक बार उठ जाए। वो बदनसीब हूं जो ना ठीक से एक जिन की जिंदगी जी पाई और ना ही इंसानों की। मामा संभालिए खुद को। किसके लिए संभालू, अब क्या बचा है मेरा? डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है, मेरी अमली ताकत वो भी नाकाम हो रही है, क्या करूं मैं? अगर इसे कुछ हो गया ना अफजल, तो मैं खाक में मिल जाऊंगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। मामा मुझे लगता है कि अगर हम काजी साहब की मदद ले तो हारान ठीक हो सकता है। खबरदार हमजा, अगर तुमने उसका नाम तक लिया, ये सारी मुसीबतें सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हो रही है। वो नहीं चाहता था कि मैं और शाहिद एक हो, कभी नहीं चाहता था कि हारान हमारी जिंदगी में आए। ये सब कुछ मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ किया था, बस उसी बात का बदला ले रहा है वो मुझसे, लेकिन वो शायद नहीं जानता। अगर मेरे हारान को कुछ भी हुआ ना, तो मैं उसके मर्तबे को मिट्टी में मिला दूंगी, पानी तक नसीब नहीं होगा उसे। हरान को होश आ रहा है मामा। हरान तुम्हें होश आ गया, मेरा हरान ठीक हो गया। हरान देखिए ना, जल्दी आइए, मेरे हारान को होश आ गया। हमजा देखो, हारान ने आंखें खोली। हारान, हारान मेरा बच्चा।
बलकार खुराना अपने पूरे होश आवाज में अपनी चल अचल संपत्ति सारी की सारी नाशा उगड़ाए के नाम कर। ख्वाबों के दरमियां देखिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। पता चला है कि पार्टी अपने सारे पदाधिकारियों को इकट्ठा कर रही है और आज दोपहर तक इस बात का फैसला कर लिया जाएगा कि बलदेव सिंह को पार्टी में शामिल किया जाए या नहीं। विश्वास सूत्रों से तो यह भी पता चला है कि इस फैसले के साथ ही आपको पार्टी से निष्कासित करने का फैसला भी कर लिया जाएगा। जिंदगी एक भंवर देखिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। सनोवर, सनोवर, क्या हुआ चुनमुन? सनोवर, चुनमुन, सनोवर, सनोवर, चुनमुन, सनोवर। चुटपुट, हाँ, चुटपुट, क्या हुआ चुटपुट? सनम, हटो, सनम, चुटपुट, या खुदा, इसे क्या हो गया? उठो चुटपुट, क्या हुआ चुटपुट? पानी का, पानी, पानी। चुटपुट, पहले पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ चुटपुट, आप कहो कौन है वो? सनोवर, सनोवर, बहुत खतरनाक है। उसी ने रमजा चाची को भी मारा है। मैं उसका पीछा कर रहा था। कौन है वो? क्या नाम है उसका? बोला, बोला चुटपुट। उसका नाम, उसका कहो, चुटपुट कहो, बोला चुटपुट, चुटपुट कहो। जिसने भी रमजा चाची और चुटपुट का कत्ल किया है, मैं उसे नहीं बख्शूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा हारान सही सलामत है। ये सब तेरा करम है। Thank you.
प्रेमी। वेंसडे रोमांस में देखिए कब